आप कभी मुस्लिम परिवार में नहीं गए, एक भी मुस्लिम को ईसाई नहीं बना पाए। आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू होते तो यहाँ पे ओम का निशान होता और आप ओम का जाप कर रहे होते। जय मसीह की दोस्तों, अभी हमारे पास एक वीडियो निकल कर के आया है। वीडियो देखने और सुनने से ऐसा लगता है कि बिहार का है। पास्टर के साथ बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेअदबी की जाती है। किसी गरीब इलाके के गांव में जाकर के दोस्तों ये व्यक्ति जो है पास्टर जो हैं वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के वचन से सुना रहे थे, लेकिन तभी बजरंग दल के लोग वहां पर आ जाते हैं और इनके साथ जो करते हैं वो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनके साथ क्या बेअदबी की जाती है दोस्तों वो भी आप इस वीडियो में देखिए। करीब 80-90 साल की एक बूढ़ी महिला है, वो भी इनके आगे हाथ जोड़ती हैं कि इनको छोड़ दो, चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन इनको छोड़ दो। लेकिन तब भी दोस्तों ये पास्टर को नहीं छोड़ते हैं, उससे उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारे चार जूता मान लो, कुछ ना कर दो हमका इससे। अम्मा बात सुनो, बात तो करे दो हमका। अच्छा एक चीज यू बताओ, आप सबको सुनो, सबको सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छी लगी आपो लोगन, अच्छी लगी जो बताओ। कभी आप मुस्लिम परिवार में गए हो? क्यों नहीं गए आप, क्यों नहीं गए ये बताइए आप हमको। कभी मुस्लिम परिवार में आप क्यों नहीं गए? क्या वहाँ भूत बला नहीं? एक मिनट दादी, आप माता जी तुम शांत हो, बात करने तो खाली, बात करे तो बात करे तो पहले आप कभी मुस्लिम परिवार में नहीं गए, एक भी मुस्लिम को ईसाई नहीं बना पाए। कभी सिख परिवार में? मेरी बात सुनिए, सिख परिवार को आप ईसाई नहीं बना पाए। ये हमारा हिंदू समाज ही बचा। लाइव बोर्ड, लाइव बोर्ड, आप हिंदू नहीं है। आप हिंदू होते तो यहाँ पे ओम का निशान होता और आप ओम का जाप कर रहे होते। क्रिश्चियन की आप प्रार्थना नहीं करवाते, आप तो कतई हिंदू है ही नहीं। आप मेरे हिंदू को तंग कर रहे हो तुम साले। क्यों तंग करेंगे? सुनो, खुद हिंदू मर्यादित भाषा में बोलना, फेसबुक का लाइव चल रहा है। सुनो, अच्छा आप लोगों का यहाँ टारगेट लाइव चल रहा है, आप लोगों ने टारगेट करने के लिए हिंदू समाज मिला। टारगेट हिंदू को क्यों कर रहे हो तुम लोग? टारगेट ना है दादी, हटो पीछे। प्रशासन फोन करे हो भाई साहब? प्रशासन फोन करे हो? हम इनके साथ करें कुछ ना जा रहे भाई साहब, माफ कर दो। ठीक है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुअल, जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के स्पिरिचुअल फादर भी हैं, इनका एक बहुत बड़ा क्रूसेड अमृतसर के अंदर होने के लिए जा रहा है। 16 अक्टूबर के दिन रंजीत एवेन्यू में करीब 12 एकड़ में ये क्रूसेड होने के लिए जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं 16 अक्टूबर को, पता है रंजीत एवेन्यू अमृतसर। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर इस बड़े क्रूसेड में आए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कारों को करेंगे। हर बीमारी, हर परेशानी से आपको परमेश्वर आजाद करेंगे। चाहे कैसी भी बीमारी आपके घर में या आपके फैमिली में किसी को भी हो, आप जरूर इस क्रूसेड में उनको लेकर के आए। आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप आना ना भूले 16 अक्टूबर रंजीत एवेन्यू में। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया, अब आप एक बात बताइए दोस्तों मुझे, आखिर इतनी छोटी सी जगह पर 10x10 का कमरा है ये जहाँ पर ये वीडियो बनी हुई है, थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग हैं कि जिनकी उंगलियों पर गिनती की जा सके, और ये बजरंग दल के लोग अंदर घुसते ही हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, पास्टर के साथ बेअदबी करते हैं, उसको तेज तेज चिल्ला करके बोलते हैं चल बाहर निकल, ये है वो है, बहुत सारी बातों को दोस्तों बोला जाता है, आपने सुना। फिर बाद में जब जो बूढ़ी महिला है वहाँ के जो लोग वहाँ पर प्रार्थनाएं बैठे थे वो लोग भी थोड़ा बोलते हैं, बूढ़ी महिला तो अपने आप को आगे कर देती हैं कि मेरे साथ जो करना है कर लो लेकिन इनके साथ कुछ भी मत करो, वो अपनी भाषा में बोलती हैं। दोस्तों ये वीडियो मुझे सुनने से और देखने से भी पता लगता है कि बिहार का है, बाकी कन्फर्मेशन तो नहीं है क्योंकि वीडियो के अंदर जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो बजरंग दल के आदमी हैं उनमें से एक आदमी इस पास्टर से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग मुस्लिम लोगों के घर में क्यों नहीं जाते हो। पास्टर से पूछा जाता है क्या कभी मुस्लिम के घर में गए हो, वो मना कर देते हैं। उनसे जोर दे करके बोला जाता है कि आखिर फिर उनके घर में क्यों नहीं जाते हो तुम लोग।
फिर दोस्तों जो ये व्यक्ति अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसने सिर पर ये भगवे कलर का जो गमछा बांधा हुआ है, ये व्यक्ति पास्टर के एक हाथ को बांध लेता है कपड़े में और उसको पकड़ के मोड़ने लगता है। साफ साफ पता लगता है दोस्तों यहाँ पर बेअदबी की जा रही है पास्टर के साथ, और इन्होंने उनके साथ मारपीट भी की होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पास्टर हाथ भी जोड़ते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, पास्टर के हाथ जोड़ने के बावजूद भी ये लोग छोड़ते नहीं है। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि मैं आपको बताऊं, जो ये अटैक होते हैं ज्यादातर आप देखेंगे छोटे चर्चेस के अंदर, छोटी जगहों पर जहाँ पर प्रार्थना घर के अंदर चल रही हो, किसी छोटे से कमरे में चल रही हो या किसी छोटे से हॉल में चल रही हो, वहाँ पर ज्यादातर ये अटैक होते हैं। मैं आपको बता दूं, क्या बिहार के अंदर बहुत बड़ी चर्चेज नहीं है? अगर ये लोग इस बात का दावा करते हैं कि ये 10x10 के रूम में 20 लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे, 15 लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे, तो फिर ये इस बात को भी तो मानते होंगे कि जो बड़ी चर्चेज बिहार के अंदर लग रही हैं, जहाँ पर अच्छी खासी गैदरिंग है, वहाँ पर तो हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा होगा, तो ये लोग वहाँ पर जाकर के क्यों नहीं रुकवाते हैं उन चर्चेज को? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं रुकवाते हैं। अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो बहुत अच्छे से इनको समझाया जाएगा और जबरदस्त तरीके से इनके मुंह का मेकअप कर देंगे वहाँ के मसीह लोग। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर कम लोग होते हैं वहीं पर ये लोग दादागिरी दिखाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे कभी भी नहीं घुसते हैं। इनको पता है वहाँ पर घुसेंगे तो चटनी बना देंगे लोग, इसीलिए दोस्तों इस पास्टर के साथ यहाँ पर बेअदबी करते हैं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती है, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है, आप 1000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।